पहली एक्सरसाइजेस जिनको हम फ्री एक्सरसाइजेस कहते हैं, उसके लिए इस तरह को धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ टिल्ट करते हुए छाती से टच करने की कोशिश करें। इसी में दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप इसको धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए गर्दन को एक्सटेंड करते हुए जहां तक आराम तक ले जा पाए वहां तक ले जाके रुक जाइए। फिर इसी में धीरे धीरे गर्दन को राइट और लेफ्ट इस तरह से रोटेट करना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि कहीं पर भी गर्दन इस तरह से एंगुलेट ना हो या गर्दन को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों को इस तरह की रोटेशन करने से चक्कर भी आ जाते हैं। दूसरी तरह की एक्सरसाइज है जिनको हम स्ट्रेचेस कहते हैं। गर्दन को इस तरह से लेफ्ट साइड में टिल्ट करें और लेफ्ट हैंड से ही पकड़ के धीरे धीरे स्ट्रेच करें। इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। इसी तरह राइट साइड में भी करें और रिलैक्स करें। इसी स्ट्रेचेस में एक दूसरी आती हैं जिनको हम ट्रेपेजियस स्ट्रेच कहते हैं। इसके लिए हाथ को इस तरह से बटक्स के नीचे टक कर लें और फिर इसी तरह के रिपीटेशन को दोबारा से करें। जब आप ये करेंगे तो आप फील करेंगे कि इस तरह से कंधे के ऊपर आपको स्ट्रेच फील होगा और ये मसल जिसे हम ट्रेपेजियस कहते हैं ये आपके रिलैक्स्ड फील करेगी। ये एक्सरसाइज खास तौर से उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको क्रोनिक अपर बैक पेन, नेक पेन रहते हैं। इसी सीक्वेंस में तीसरी एक्सरसाइजेस को हम रेजिस्टेड एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए कुर्सी पर आराम से इस तरह से आप बैठ जाएं, अपने हाथ को अपने माथे के राइट साइड पर रख लें और गर्दन के दम से हाथ को पुश करने की कोशिश करें। आप हाथ से रेजिस्ट करें और गर्दन से पुश करने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान ये रखें कि आपकी गर्दन किसी भी तरह से टिल्ट ना हो। आपका गर्दन का सीधा रहना बहुत ज़रूरी है और दोनों तरफ से प्रेशर एडिक्वेट और इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से लेफ्ट साइड से इस एक्सरसाइज को करें, आगे से इस तरह से माथे पे हाथ रख के और पीछे से दोनों हाथों को सर के पीछे इस तरह टिका के। ज़रूरी यह है कि किसी भी पोजीशन में आपकी गर्दन टेढ़ी ना हो या अनइक्वल प्रेशर ना लगे। इसी में दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको इस तरह से खड़े होना है, हाथों में वेट्स पकड़ने हैं और कंधों को ऊपर इस तरह खींच कर 10 सेकंड तक होल्ड करना है। वेट्स के लिए आप 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो कितना भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। अगर आपके घर में वेट्स ना हो तो आप पानी की बॉटल में पानी भर के उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलो के लिए आप 1 लीटर की बॉटल यूज़ करें और 2 किलो के लिए 2 लीटर की। इस रिपीटेशंस को भी 10 बार करना है और फिर 10 के बाद इस तरह से रिलैक्स करना है। इसी में तीसरी एक्सरसाइज है जिसको कि हम रेजिस्टेड स्ट्रेच कहते हैं। इसमें हाथ को इस तरह से फोल्ड करके कमर के ऊपर ले जाके इस तरह से रखें और गर्दन को धीरे धीरे आगे की तरफ मोड़ें। दूसरे हाथ से गर्दन को इस तरह से पकड़ें और फिर हल्के से इसको स्ट्रेच करें। इस एक्सरसाइज को आप राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से करिए और इसके 10 रिपीटेशंस करने हैं। ये तीनों एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए यूजफुल हैं जो लंबे टाइम तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर में हमने अक्सर देखा है कि गलत पोस्चर की वजह से नेक पेन बहुत कॉमन हो जाता है। ये एक्सरसाइजेस उनके लिए भी बहुत यूजफुल हैं जो कि लंबे टाइम तक मोबाइल पर गर्दन झुका के काम करते हैं, या खासतौर से आज की डेट में जहाँ पे कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और लंबे टाइम तक लैपटॉप या आईपैड के ऊपर क्लासेस अटेंड करते हैं। थैंक यू।